बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेवन शरीफ में एनटीएस पास टेस्ट उम्मीदवारों ने ऑफर आर्डर ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, इस हवाले से देखते हैं वकार अली मल्ला की ये रिपोर्ट। एहतजाज जो है असा जायज़ एहतजाज है, जी तो असा एनटीएस पास 2013 में एनटीएस पास अस उस्ताद आयो, अस तकरीबन 88 मार्कू खी, मेरठ की लताड़ थी है अस 2013 खड़ी तकरीबन 8 साल थे अस आसण में रहा पे अचे जी तुम वेकेंट फोर्सिंग पे तक बी टेस्ट पो कहीं पर हिंसर जैसे पोस्टू आयोन तो इन बी टेस्ट जो ऐलान किया अस हक ना दिना, इन कर एहतजाज कर रहा हूँ। वाहौड़ में सही मुराद अली शाह के गोठ वाहौड़ में एहतजाज कर रहा हूँ। खुदा रहा असा हक दिना वन सिंध से इंसाफ किया वे, सिंध के नौजवान से इंसाफ किया वे। अस बिलावल भुट्टो जो यूथ की नुमाइंदगी तो करे अस उन अर्ज कहीं पुरजोर मुतालबो कहीं तो असा पंजा हक जारिया वन अचो तो 45% मार्कू जो खड़ो वो पास आ उन नौकरी मिली अस 88 खन इन में तुम बुधा तो मेरठ छा 45 मार्कू की मेरठ आ या 88 मार्कू की मेरठ आ इो तवाब दियो। अस डायरेक्टर तालीम जाम शोर के अर्ज कह बेचैनी खत्म कई वे जस्ट अज अस मजबूरन थी साई के हल्के में अची उत एहतजाज रिकॉर्ड पाया करूँ जी अस इंसाफ किया वे। सद हर बारे अस यो ही इन माल तीन का भी वेकेंसी को इन माल तीन का भी वेकेंसी को हिंसर तो शो ऑफ वेकेंसी भी थी 37,000 इन वेकेंसी जो ऑर्डर कटियान भी असा इन माल तीन को भी इंसाफ न थो मेहरबानी कर असा हक दिना वन। एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, आपने बोला 45% मार्क्स के ऊपर या 45% मार्क जो भी उठाएगा उनको ऑर्डर दिए जाएंगे। हमने तो 80% से ऊपर मार्क्स लिए हुए हैं एनटीएस वालों ने, अभी हमारा तो हमें हक दें करके एजुकेशन डायरेक्टर हैदराबाद और सेक्रेटरी एजुकेशन को भी हमने मुतालबा करेंगे और सैयद गनी साहब को आज का हमारा ये एहतजाज वजीर अला सिंध की हाउस वाहौड़ शरीफ में हम आए अपना हक दें और हमारा पूरा मैंने एहतजाज है, हम तो एहतजाज करते आ रहे हैं हमें अपना हक दिया जाए। मेहरबानी करके हमने जो पास किया हुआ है हमें अपने आर्डर दे के हमारी बेचैनी ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो हम जो 2013 से एनटीएस पास किए हुए पीएसटी जीएसटी पास किए हुए हैं तो इन्होंने अभी हमें मुसलसल 7 साल से 8 साल से ये जो एहतजाज करते आ रहे हैं इन्होंने हमें यही कह के मुसलसल रखा है आश्रय में कि भाई जब भी पोस्ट वेकेंट आएगी हम आपको रखेंगे। मुसलसल इन्होंने हमें नहीं रखा। अभी जब हमारे हल्के चलो 37,000 पूरे सिंध में वैकेंसी आई है, हमारे तालके 7 में अभी 218 जो वैकेंसी पोस्ट पड़े हुए हैं तो हमें वहाँ पे हमें अपने ऑफर आर्डर दिए जाए और हमें अपने ज्वाइनिंग दिए जाए, हमें अपने हक दिए जाए। हम मुसलसल 8 साल से एहतजाज किए जा रहे हैं और जैसे कि IBS सखर वालों की आप पॉलिसी देख लें, अभी रिसेंटली वहाँ पे टेस्ट हुई है तो उन्होंने कहा 60 मार्क्स पास है उनको आर्डर दे दें, ठीक है। तो अभी जो 60 वालों को तो उन्होंने दे दिया, अभी उन्होंने कहा कि 50 वालों को भी दो, चलो 50 वालों को भी उन्होंने दे दिया। अभी उन्होंने क्या किया कि 40 वालों को 10 मार्क ग्रेस दे के उनको भी आर्डर दिए जाएँ, जबकि हमारा इसमें क्या कसूर है, हमें हमारे जो अपने हक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। 2013 में जेका टेस्ट वरती हुई उनमें असा जेका क्राइटेरिया है वह सब जेके क्वालिफाई कयो सी असा उनते अज दिन ताई असा के आर्डर न दिनो वे मुसलसल 7 सालन का यो चई दबा वैकेंसी कोन जडे वैकेंसी इंदियो तो ता के असा आर्डर दिंदासी पर हियर जडे 37,000 वैकेंसी आयो त असा जो यो जायज़ मुतालबो आ सईद गनी साहब जो मिनिस्टर एजुकेशन आए या वजीर आला सिंध जनाब सैद मुराद अली शाह का त असा के पंजो हक दिनो वने असा के पंजो आर्डर दिनो वने मुसलसल 7 सालन सा असा आई डी नाइन साफी छो कई वे आए हर भेरे असा के आसरन में रखे वो है तो भाई जडे वैकेंसी इंदी तो ताके खयो इंदो तेकर असा हियर ये एहतजाज कर रहा हूं CM सिंध जे गोठ वाहौड़ में तो खुदा रहा असा इंसाफ कयो वने मेरिट की लताड़ न कयो। असा भी इतने सिंध जा रहवासी हूं सिंध जहाँ नौजवान हूँ बेरोजगारी वाली जिंदगी में असा जो बच्चा वे बुख काटने के मजबूर हैं हिंसर तुम ऐसो कोरोना वायरस के करे मईशत तबाह लगी पई है को भी रोजगार ना है जडे तो रिसेंटली हाँ अनाउंस भी थी 37,000 पोस्टू तो असा पे तो असो हक आ जैसे असा टेस्ट पास कई असर में आसरा छो दिना वह तक आर्डर दींदी
हींअर असां इहो ई मुतालबो कयूं था आला अख़्तियारनि खां ऐं पंहिंजो एजुकेशन सेक्रेटरी जनाब अहमद बश्क नारेजो साहब खां ऐं डायरेक्टर एजुकेशन हैदराबाद सैद रसूल बख्शा खां त असां सां इंसाफ़ कयो वञे असांखे ऑफर आर्डर ॾिनो वञे। महिरबानी।